न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पवार परिवार में हाई फैमिली ड्रामा, शरद पवार ने अजीत पवार को मनाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने परिवार में किसी भी तरह के अंतकलह से इनकार किया है। शुक्रवार को उनके भतीजे अजीत पवार ने अचानक बारामती के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद अजीत नॉट रीचेबल हो गए थे। 24 घंटे का क्लाइमैक्स खत्म। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार ने कहा कि अजीत ने इस्तीफा देने से पहले उनसे कोई संपर्क नहीं किया था। उनके बयान से पवार परिवार में अंतकलह की खबरें जोरों पर लगी थी। इसके बाद अजीत से संपर्क करने की काफी कोशिश की गई थी। आखिरकार कई घंटों की क्लाइमैक्स के बाद शनिवार को अजीत ने अपने चाचा पवार से संपर्क साधा और फिर दोनों की मुंबई में पवार के निवास स्थान पर क्लोज डोर मीटिंग हुई, जिसमें शरद पवार, अजीत पवार व सुप्रिया सुले के अलावा बाहर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। सुप्रिया इन दिनों डेंगू से पीड़ित है। इसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार पर आए संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। भावुक हुए अजीत पवार और सुप्रिया दोनों ने मिलकर अजीत से उनकी नाराजगी को लेकर बात की और उन्होंने मनाने का भी प्रयास किया। अजीत पवार की आंखों से झलके आंसू। उन्होंने कहा कि बैंक घोटाले में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार का नाम बेवजह घसीटा गया है। वे बैंक के किसी भी पद पर नहीं है। अजीत ने कहा कि इस्तीफा देने से पहले मुझे पार्टी अध्यक्ष के अलावा जयंत पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे व जितेंद्र आव्हाड जैसे नेताओं से लेनी थी सलाह। मैंने ऐसा नहीं किया। सुप्रिया से हुए थे नाराज अजीत पवार व अपनी बहन सुप्रिया सुले के कमेंट से नाराज हुए थे। उन्होंने कमेंट में लिखा था कि अजीत के वजह से बाबा शरद पवार को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। यह कमेंट से अजीत पवार को लगा बड़ा झटका। उन्होंने इस वजह से दे दिया था इस्तीफा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।